अखिलेश और प्रतीक पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई तीत, बढ़ा सियासी पारा। सीबीआई की रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की 2013 की क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई के केस को बंद करने के खिलाफ कांग्रेसी नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पहले 7 अगस्त 2013 को मामले की जांच बंद कर चुकी है, इसलिए अब इस याचिका की कोई मेरिट नहीं बची है। दरअसल अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव और प्रदीप यादव को राहत देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। इसने 7 अगस्त 2013 को प्रारंभिक जांच बंद कर दी थी। 8 अगस्त को सीबीआई ने इसकी सूचना सीडब्ल्यूसी को दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने 2007 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जांच बंद कर दी। कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।